हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी देखिए बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी। और फ्रेंड्स ये सात्विक भोजन है। सात्विक इसलिए फ्रेंड्स कि सात्विक भोजन किसे बोला जाए जिसमें लहसुन प्याज ना हो। इसको किसी भी पर्व त्यौहार में हम लोग खाते हैं इंडियन में। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी होंगे और विदाउट ऑनियन और विदाउट गार्लिक का है फ्रेंड्स। विदाउट ऑनियन गार्लिक जो कि सावन या तो फिर कोई भी तीज त्यौहार में हम सब नहीं खाते हैं, तो या तो फिर जैन के यहाँ भी ये नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, एकदम सात्विक भोजन बनते हैं। तो वो कैसे बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे इस तरह के अगर आप बनाएंगे तो इसीलिए मैं आज की रेसिपी जो बना रही हूँ बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, जो कि सबके यहाँ अवेलेबल होंगे उस तरीके से मैं ये आज की सब्जी बना रही हूँ, पनीर की सब्जी। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही टेस्टी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि विदाउट ऑनियन गार्लिक का है। ये जिस इंग्रेडिएंट्स मैं बना रही हूँ सबके यहाँ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लेना है, बहुत कम से बना रही हूँ। इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें और डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो चीज़ें सबके पास अवेलेबल है उसी से मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी यहाँ घी डाल दी हूँ, एक शिमला मिर्च लिए हैं, उसको ट्यूब में कट कर दिए हैं फ्रेंड्स छोटे छोटे पीसेस में देखिए। और फ्रेंड्स इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, मतलब इसका कच्चापन हटा देना है, बस इसका क्रंच रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको 2 मिनट अलट पलट के इसको एकदम फुल आँच में अलट पलट के इसको पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, बस ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं डालना है, नमक उमक कुछ भी नहीं, इसको बस ऐसे क्रंच ही रहना चाहिए। तो देखिए मैं इसको 2 मिनट उलट पलट के पका ली हूँ। और फ्रेंड्स चलिए अब इसको निकाल देते हैं, और कढ़ाई गर्म ही है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम सिंपल बना रही हूँ, जो सबके पास ये अवेलेबल है। जो यहाँ मैं घी डाली फ्रेंड्स उसके जगह आप तेल भी डाल सकते हो, जो भी खाना आप मतलब जिस भी तेल से आप खाना बनाती हो, मूँगफली को या कोई भी सनफ्लावर किसी से भी आप बनाती हो फ्रेंड्स, तो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ घी बटर कुछ भी डाल रही हूँ, लेकिन जो खाना आपको पसंद है जो तेल से उसे बनाएं। लेकिन जब भी आप पनीर बनाएं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उसमें बटर या घी ज़रूर डालें, उससे देखिएगा टेस्ट डबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पनीर कट कर ली हूँ पीसेस में क्यूब क्यूब में, और फ्रेंड्स इसमें दही डाल दी हूँ 2 चम्मच दही, और 1 चम्मच में यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। बस इसको मैरिनेट करने के लिए मैरिनेट करके इसको 5-7 मिनट छोड़ दें। उसके बाद इधर देखिए कढ़ाई भी गर्म हो गए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ काजू ली हूँ 10-12 काजू है, और 4-5 लाल मिर्च, बस इस सबको यहाँ पीस लेना है फ्रेंड्स। देखिए इसको मैं यहाँ जार में डाल रही हूँ, इसमें पानी नहीं डालना है अभी, पहले इसमें मसाले डाल दें। और यहाँ गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, और फ्रेंड्स यहाँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गोलकी डाल देना है, और इस मसाले को एकदम पेस्ट बना के पीस लेना है फ्रेंड्स, जितना फाइन पेस्ट हो सके। इसलिए काजू को आप 10-15 मिनट पहले दे दें, या तो फिर आप गर्म पानी में तुरंत दे दें तो आराम से फूल जाते हैं, ताकि वो अच्छे से पेस्ट बने, दरदरा ना हो। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए लौंग जो है 3-4 लौंग डाल दिए हैं, और 1 छोटी इलायची, और फ्रेंड्स इसको आप पीस लेना है। तो चलिए इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो इसमें मैं और 2 चम्मच दही, पानी नहीं डाल रही हूँ, 2 चम्मच यहाँ दही डाल देते हैं, ताकि ये आराम से पिसा जाए, पिसने में दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए शिमला मिर्च, इसको हटा लेते हैं कढ़ाई से, बस ये रोस्ट हो गए हैं, इसको लो टू फ्लेम में करके छोड़ दिए थे। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ घी डाल रही हूँ, तो यहाँ 2 चम्मच घी डाल लेते हैं, और इसमें पनीर को थोड़ी सी रोस्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, पनीर को पका लेंगे तो उसमें कच्चापन निकल जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च तेल में ही डाल दे रही हूँ, ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए पनीर के ऊपर, एक कोटिंग कलर में। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ जो दही थे दही के साथ इसको डालें, इसके थोड़ी सी पानी छोड़े, तो इसको पका लेना है 2 मिनट के लिए। इसको पकाएंगे तो ये देखिए पूरे मसाले जो है इसमें कोट हो गए हैं फ्रेंड्स, और कोट हो जाने के बाद चलिए अब इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई से। और फ्रेंड्स अब इसी कढ़ाई में जो मसाले पीस के रखे हुए थे उसको यहाँ डाल देते हैं, और फ्रेंड्स मसाले को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको फ्राई करते हैं, इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। और फ्राई करने में 3-4 मिनट में इसको देखिएगा कि इसका कलर टेक्सचर चेंज होने लगे हैं। देखिए उसके बाद यहाँ फिर से मैं मसाले, यहाँ देखिए नमक नहीं डाले हैं तो नमक डाल दिए हैं, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं छोटी चम्मच में, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच में हल्दी डाल दी हूँ, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च फिर यहाँ डाल दिए हैं ग्रेवी के लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ आप थोड़ा सा
इसमें चटकेदार बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ज़रूर डालें एक चम्मच भर के, ये तो आमचूर पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ दो टमाटर पीस ली हूँ और पीस के डाल दी हूँ। और चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक ऑयल ना छोड़ दे। और इसको दो मिनट के लिए मैं ढक भी दी थी। उसके बाद फ्राई करने के बाद एक कटोरी यहाँ दूध है और 2-3 चम्मच दही डाल दी हूँ उसी में। और फ्रेंड्स इसको देखिए ऐसे मसाले को मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स इसको और 5 से 7 मिनट पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए दूध डाल दी हूँ तो इसको अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। और फ्रेंड्स अब इसमें अभी इसको अच्छी तरीके से तब तक पकाना है जब तक इसका तेल एकदम ऑयल ऊपर रिलीज ना कर दे। आप देखिएगा इसको पकाते, अभी देखिए इसका टेक्सचर और कलर। और इसको 4 से 5 मिनट ढक के पका लीजिए। उसके बाद इसका टेक्सचर कलर देखिएगा एकदम चेंज हो जाए, आपको खुद भी विश्वास नहीं होंगे फ्रेंड्स कि ये ग्रेवी मेरा इतना अच्छा बन गया। तो फ्रेंड्स चलिए पनीर डाल देते हैं इसमें और इसको ढक के 4 से 5 मिनट एकदम लो में इसको पकाएं, एकदम लो कर दें फ्लेम को और इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। देखिएगा उसके बाद इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आ जाने वाला है। लो करके इसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ ग्रेवी है फ्रेंड्स, सिर्फ इसका ऑयल देखिए टेक्सचर कलर छोड़ दिए हैं बस। देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको 4-5 मिनट ऐसे पका दिए हैं, ये देखिए कलर इतना अच्छा आएंगे आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे क्या ऐसे ढक के पकाने से इतना इसका कलर चेंज हो सकता है, इतना अच्छा आ सकता है। ऊपर से मैं धनिया छिड़क दी हूँ और 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया। उसके बाद सर्व करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ बंद कर दिए हैं, बस इसको इसी तरह ही ढक के छोड़ दिए हैं। उसके बाद इसको सर्व करना है तो आप निकाल के देखिएगा 2-3 मिनट बाद। देखिए इसका कलर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है फ्रेंड्स, इतने सुंदर ये लग रहे हैं, इतने देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये विदाउट लहसुन प्याज का है। देखिए आप खिला भी दो घर वाले आपको बता ही नहीं पाएंगे कि बोले ही नहीं कि इसमें लहसुन प्याज नहीं दिए, ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने बताई हूँ आप सबको। ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।